ओके, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल. सो मेहुल वॉज प्रेजेंट इन दी प्रीवियस क्लास, सो ही नोज दैट इन आर प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड दी डेफिनेशन ऑफ वर्ब, राइट मेहुल? सो वुड यू जस्ट डिफाइन वर्ब फॉर मी? जस्ट लुक इन योर नोटबुक एंड से. That is used to do what? Indicate the position of subject to denote the action of the subject or what is produced by the subject. Yes. So, verb has majorly three functions. ठीक है. पहला function होता है verb का to kind of tell the or to say where a subject is placed, whether it is placed before before noun or after noun or a pronoun. Okay, so suppose we are writing an interrogative sentence, there we place the in yes or no questions, we place the words in the beginning, hai na? Whereas while we are writing any sentence, we would be placing verb after the noun or a pronoun. We don't place a verb before it. कभी देखते हो वर्क ही डन, ऐसा नहीं होता है ना. ही डज द वर्क होगा, ही वर्क्स होगा, लेकिन कभी भी हम ये नहीं देखते कि हमारा क्या है, हमारा वर्ब हाथ नहीं, हमारा वर्ब जो है वो कहाँ है, नाउन के पहले, है ना. एंड देयर इजंट अ सिंगल सेंटेंस, देयर इजंट अ सिंगल सेंटेंस इन द entire English language which can be written without the help of a main verb. Main verb के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं नहीं लिखा जा सकता. अब मैं एक सेंटेंस यहाँ लिख रही, ठीक है. This is a beautiful This is a beautiful house. Okay. ठीक है, ये देख रहे हो. अभी जरा इस सेंटेंस में तुम बोलोगे मिस यहाँ मेन वर्ब कहाँ है, पूछोगे मेन वर्ब दिख रहा है इसमें. ब्यूटिफुल वर्ब होता है या एडजेक्टिव होता है? एडजेक्टिव होता है ना. इट इज मॉडिफाइंग द नाउन, है ना. The function of an adjective is to modify a noun, है ना. तो ये noun के बारे में बता रहे हैं कि हाँ ये घर है और ये क्या है, सुंदर है, है ना. ये इसके बारे में तो नहीं बता, मतलब suppose यहाँ पे कोई भी main verb ऐसे generally हमें दिख नहीं रहा अगर हम normal perspective से देखें. लेकिन यहाँ पे ये जो is है ये main verb की तरह function कर रहा है. Okay, so your these helping words that are is, was, where, hai na, they can even become a main verb in a sentence when other main verb is not present. Okay, jab hamara dusra main verb jo hota hai na, like work, eat, sleep, drink, dance, hai na, swing, hai na, climb, kuch bhi, hai na, there are plenty of them, है ना. रन, सिट, स्टैंड, कोई भी, अगर हमें वो सब कुछ भी नहीं दिख रहा जो हम कॉलम्स में पढ़ते हैं, जिसका हम याद करते हैं, राइट, तो हम क्या कहेंगे, ये जो है हेल्पिंग वर्ब कैसे फंक्शन कर रहा है, मेन वर्ब की तरह, ठीक है. नाउ लुक एट द टाइप्स ऑफ वर्ब. ओके, सो फर्स्ट कैटेगरी इज योर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है. पहला कैटेगरी क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब है. हेल्पिंग वर्ब फर्दर गेट्स क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज योर प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड योर मॉडल्स, ठीक है. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ प्राइमरी ऑक्सिलरीज, प्राइमरी ऑक्सिलरीज की क्या फंक्शन होती है? जब हम इनको मदद करने वाले ही ये वर्ब हैं, जब इनका काम मदद करना है तो ये क्या करेंगे,
ये मेन वर्ब का मदद करेंगे सेंटेंस में, ये मेन वर्ब के पहले हमको लगा जो रेडी। ओके, सपोज जो हमारे मेन वर्ब होते हैं ना, सॉरी प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं, इनके भी टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं? पहला टाइप को हम लोग बी फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन आता है? इज, वॉज, है ना, आम, वेयर, so these are the major three types of the verb, that is your B form, half form and the do form, ठीक है। अभी स्मूल बोल रहा है, ये क्या बोल रहे हैं, मैं एकदम दिमाग से ऊपर ऊपर जा रहा है, ठीक है, बट ऊपर नहीं जा रहा है। तुम देखते हो कोई भी सेंटेंस जब लिख रहे होते हैं हम लोग, हाँ, they have done their work, है ना, they have completed their work, है ना। तो यहाँ have जो है वो सेंटेंस में क्या है, एज अ लिंक, लिंक एड, है ना। completion, completion क्या है? To complete a task, what is it? Task complete, completed, completed, है ना, ये भी एक verb है ना, to complete, completed, completed। पढ़ते हैं वी वन फॉर्म ऑफ द वर्ब, वी टू फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड वी थ्री फॉर्म, है ना। वी वन कौन सा होता है? बेस फॉर्म होता है। बेस फॉर्म को हम लोग कौन सा क्या बोलते हैं शॉर्टकट में, हम क्या बोलते हैं उनको? वी वन बोलते हैं, ठीक है। जब भी हम वी टू की बात कर रहे होते हैं, राइट, तो वो कौन से फॉर्म ऑफ द वर्ब होते हैं? पास्ट। जितने भी पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होते हैं ना, भूतकाल में जितने भी होते हैं, सभी कौन से फॉर्म में? वी टू। वी टू फॉर्म ऑफ द वर्ब इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एंड व्हाट अबाउट द वी थ्री? वी थ्री इज योर पास्ट पार्टिसिपल, है ना। ओके, पास्ट पार्टिसिपल इज योर वी थ्री। वो कहते हैं ना, बोलते हैं कभी कभी वो ईडी के साथ भी एंड होते हैं, कभी ईएन के साथ, कभी सिमिलर भी रहते हैं, है ना। सो उनका थोड़ा सा रूल डिफर करता है। They do not kind of go by a single rule. They might change. There are exceptions to them. Okay. So we have generally three types of primary auxiliaries, which is the primary helping verb. The first is the be form. Kabhi bhi agar suppose agar tumko ek fill in the blanks aaya, hai na? And wahan pe dekho, this be a ठीक है, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। दिस सॉरी दिस डैश ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है? बी अ नाइस ड्रेस। यानी यहाँ पे हमको ब्लैंक में बी फॉर्म ऑफ द वर्ब भरना है, है ना। यहाँ पे क्या हो जाता है? इज। ओके, सो हम क्लियरली जितने भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं उनको ऐसे ही टैकल करते हैं। बी फॉर्म ऑफ द वर्ब इज योर इज, एम इन द प्रेजेंट टेंस, वॉज एंड वेयर इन द पास्ट टेंस। ऑलराइट, ठीक है। हैव फॉर्म में हैव एंड हैज इन द प्रेजेंट टेंस, हैड इन द पास्ट परफेक्ट टेंस एंड द पास्ट टेंस। ओके, सिमिलरली डू एंड डज इन द
present tense and did in the past tense. Okay, so we have these. Now we have modals. Okay, these are special words. Okay, special words in the sense they are total how many numbers? 13 in number, है ना? गिनती के 13 ही हैं, है ना? गिनती, हाँ, ये फ्लोचार्ट बनाओ, पूरा का पूरा बनाओ. तुमको क्या लगा? ये सबको लिखना नहीं है, मैं ऐसे मिटा दूँ समझा के? ऐसा नहीं होता है. डेट, आज का डेट डालो, अच्छे से लिखो, प्रॉपरली सजा के. नोट्स जितना अट्रैक्टिव बनाओगे, जितने अच्छे से बनाओगे, उतना ज़्यादा उसको गो थ्रू करने में मज़ा आएगा. न्यू सेशन है, सब कुछ लिख ली. वेल डन. ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट मॉडल्स. ओके, नाउ हाउ मेनी मॉडल्स आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर? हाउ मेनी? 13. सी अलोंग विद मी, कितने टोटल? 13, है ना? लेट अस नेम देम, है ना? यहाँ पे स्पेस नहीं है. शुड आई इरेज दिस? हैव यू रिटन दिस? हाँ, लिखो, यहाँ लिख रही. ठीक है, कैन, कुड, विल, शैल, मे, माइट, डेयर, ओके. Must, used to, ये सारे के सारे हमारे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and can, could, will, हाँ, would, should, sorry, हाँ, would, should, must, used to, ग्यारह, बारह और एक बचा हुआ है. कौन है भाई? ओके, यस, आउट, आउट टू. ओके, सो देर आर बेसिकली 13 इन नंबर. दे आर 13 इन नंबर एंड दे ऑलवेज, जो मॉडल वर्ब होते हैं ना, वो हमेशा V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ लिखे जाते हैं. कभी भी मॉडल्स के आगे हम लोग कभी भी V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं लगाते, यानी कि हम पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मॉडल्स के साथ नहीं लगाते. दे कुड हैव कम, शी माइट हैव, है ना? कहीं भी देख रहे हो तो क्या लग रहा है वहाँ पे? हैव लग रहा है. एंड हैव इज वॉट? इट्स दी V1, दैट इज बेस है, है ना? उससे फिर हम लोग ओरिजिनेट करता है V2. हैव का हैड हो जाता है ना? हैव एंड हैज का क्या हो जाता है? हैड हो जाता है. फिर उसका पास्ट पार्टिसिपल भी क्या है? हैडी है, है ना? सो लेट अस डिफाइन प्राइमरी ऑक्सिलरीज. ओके, राइट. Thank you.
बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द मेन वर्ब. ठीक है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में जो इंटरलिंकिंग का काम करता है वो कौन करता है? प्राइमरी ऑक्सिलरी करती है ना, करता है. ठीक है, बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द, यू कैन शो इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. ओके, हाउ डू यू शो इट? He is working since morning, है ना. तो ये यहाँ पे is क्या है? Helping verb है. Working क्या है? Main verb है. भले इसमें ing लग गया but है तो ये क्या है? क्या क्या है ये? Main verb है ना. Working है but वो क्या है? Work. Working is the part of the main verb. All right. And is the part of the primary auxiliary. He is the subject and we can see clearly. देखो यहाँ पे कि subject और verb के बीच में कौन placed है? Is placed है ना. So it is acting as an interlink, है ना. It is helping to interlink the subject and the main verb. It provides support to it, है ना. उसको सहारा देता है. कौन देता है सहारा? Help. हेल्प करने का आर्थिक मतलब ही क्या होता है? सहारा देना, है ना. तो मेन वर्ब बेचारा उसके बिना वो क्या है? हैंडीकैप, है ना. उसके बिना वो ऐसे बैसाखी लेके चलेगा, फिर चल नहीं पाएगा वो, है ना. सो ये लिखिए, ये इरेज कर दे ये सारा पार्ट. Now we are moving on to the main verb. Okay, main verb से ही हम क्या समझ रहे हैं? Main क्या होता है? जो बहुत important हो, है ना. तो main verb क्या है? Important, है ना. वो ऐसे नहीं, उनसे हमें कुछ पता चल रहा होता है, वो उनको सुन के हम बता सकते हैं कि हाँ ये subject क्या कर रहा है, है ना. Subject क्या कर रहा है वो कौन बताएगा? तुम बताओगे. मेन वर्ब बताएगा, है ना. सो हम लोग मेन वर्ब को भी फर्दर क्लासिफाई देम इनटू टू मेजर टाइप, दैट इज योर फाइनाइट वर्ब एंड द नॉन फाइनाइट वर्ब. ओके, नाउ द फाइनाइट वर्ब फर्दर गेट्स डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज योर ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, है ना. And non-finite further gets classified into three types, that is your infinitive, gerund and participle. We have done this in the previous class where we talked about the participles, the gerunds and the infinitives, right? Infinitives are what? The two verbs, hai na? Gerund act as a noun. We have ing placed after the verb and they act as a noun. संज्ञा की तरह कौन काम करता है? Gerund. Okay? And participle act as a adjective, है ना. We have ing placed right after it, है ना. Working. तो working can act as a gerund भी and can act as a No, there are adjective is like the noun which has the verb which has ing added to them. तो उनको हम क्या बोलते हैं? हाँ, उनको हम participle बोलते हैं, ठीक है. And transitive verb, we did this in the previous class. Okay, so transitive verb का क्या function होता है?
वो बेचारे ऐसे कुछ नहीं है उनका सहारा है, मतलब क्या है बिना उसके, बिना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के, है ना, बिना ऑब्जेक्ट के वो क्या है ऐसे आधे अधूरे, है ना। सो आधे अधूरे कौन है? ट्रांजिटिव। तुम आधे अधूरे, ट्रांजिटिव वर्ब है, म्यूल ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि वो आधा अधूरा है। हाँ क्यों, क्यों है आधा अधूरा भाई? क्योंकि इसके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, सो लेट अस डिफाइन ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, नेक्स्ट पेज, अगले पन्ने में लिखो। ट्रांजिटिव वर्ब और कैसे वर्ब होते हैं? म्यूल व्हाट आर यू डूइंग? नज़ारे मत देखो उधर, यहाँ से नज़ारा दिखता भी नहीं, बस ऐसे ये टापू जैसा है, ये टापू ही दिखता है, गली में बच्चे दौड़ रहे हैं, हाँ जंगल है, हाँ तो उसको देखने से कोई क्या मिल रहा है। Let it be. Okay. So, transitive verb is the verb which is incomplete in itself and requires direct or indirect object to complete its sense. Okay. To complete its meaning. Giving you this side. Just wait a minute. For example, let us see, वो काम किया, हम कल बात कर रहे थे ना, he worked, है ना, है, he worked, okay, he worked, क्या worked, ठीक है, so अगर हम ये बोल दें that he worked at the टाटा स्टील्स, ठीक है, तो यहाँ पे हमने ठीक है, हमें पता है उसने काम किया, राइट, ही वर्क, लेकिन अभी वर्क क्या किया, मतलब क्या किया, राइट, कहाँ किया, क्या किया, ये हमें नहीं पता है, एंड देयरफॉर दिस सीन्स टू बी incomplete, है ना, until and unless we place an object, the transitive verb is not complete, ठीक है, जब तक हम यहाँ पर stop playing with the box, okay, तो जब तक हम यहाँ पर क्या नहीं लगा ले, बताओ, he worked at था
अहमदाबाद. ही वर्कड एट टाटा मोटर्स अहमदाबाद. ओके, नाउ वी कैन से ऑब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे, टाटा मोटर्स ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है, अगर हम बोले ही इज प्लेइंग, आई नो दैट ही इज प्लेइंग, बट दिस डजंट मेक, दिस डजंट कंप्लीट द सेंटेंस. ओके, सो ट्रांजिटिव वर्ब वुड बी रिक्वायरिंग एन ऑब्जेक्ट. ही इज प्लेइंग इन द पार्क. हियर द ऑब्जेक्ट टू द वर्ब प्लेइंग वुड बी पार्क. खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, पार्क में. काम कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, टाटा मोटर्स में. ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि दैट द सब्जेक्ट इज डूइंग समथिंग, राइट, एंड हाँ सब्जेक्ट इज हैविंग अ ऑब्जेक्ट. ओके, शुड आई इरेज दिस? बता रही मैं, हो गया. ठीक है, नाउ लेट अस जंप इन टू फ्यू क्वेश्चंस. ओके, रिगार्डिंग ट्रांजिटिव वर्ब, so that we can see its uses. Okay, so now I'll be writing a sentence. You'll have to identify the transitive verb and its object, that is its direct object or indirect object. Okay, I wrote a letter. Mihun, come here. Identify the transitive verb in this sentence and the object. Come here. Easy hai, bahut easy hai. Uth ke aao. Aa jao. Yes. So, what is transitive verb? This is transitive verb, right? And this is the direct object. ठीक है, ठीक है. Now Palak, read this sentence aloud. She is preparing homemade pickles for her children. Yes. The sentence says she is preparing homemade pickles for her children. अगर हम इसको incomplete लिखे तो यहाँ तक होगा. She is preparing. Right? So please identify the transitive verb from there itself. You can see. Translating. Yes, transitive verb in this sentence is
preparing. Okay, once again, direct object. Which is the direct object in this sentence? Homemade. Yes. Homemade pickle is the direct object. How would you be answering, how would you be knowing that in a sentence which is a direct object? Yahan pe preparing hamara transitive verb hai. So, and she is the subject, right? So we would be asking the question, who is prepared? Okay, what is being prepared? Hai na? What is being prepared ka answer kya hai yahan pe seedha seedhi? Pickles hai. So that becomes the direct object. And for whom? For whom jab aaya? Children, है ना? किसके लिए बनाया जा रहा है? हाँ, अपने बच्चों के लिए बना रही है. तो ये क्या बन गया? Indirect object. Children are the indirect object. Okay? Similarly, can you just say a sentence related to this? Yes. Other sentence? Any other sentence of your own? She is playing guitar. She is okay. Playing guitar. So here, what is the transit? Which is the transitive verb? Playing. Playing is the transitive verb, and guitar becomes your direct object. Clear hai yahan tak? Sabhi ko? सो द एक्सरसाइज जो आएगा जिसमें तुमको आइडेंटिफाई करना होगा ट्रांजिटिव वर्ब को एंड फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एंड अकॉम्पनीड विद दैट द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो कर लोगे वो फिर है ना. ओके नाउ लेट अस मूव टू इन ट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है, इन आगे ही लगा है इन ट्रांजिटिव, यानी ट्रांजिटिव के ऑपोजिट है ये. ट्रांजिटिव को क्या चाहिए था? ऑब्जेक्ट चाहिए था. इन ट्रांजिटिव को कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता है. वो खुद ब खुद क्या होता है? कंप्लीट होता है. ठीक है, मीनिंगफुल होता है एंड इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो जस्ट एज इट्स नेम इज है ना, सो इज इट्स डेफिनेशन है ना. बिल्कुल वो क्या है ट्रांजिटिव का, क्या है ये म्यूल? ट्रांजिटिव का उल्टा क्या है? इन ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव को हमें ऑब्जेक्ट चाहिए था. इन ट्रांजिटिव हमारे बिना ऑब्जेक्ट के भी काम चला लेगा एंड मीनिंगफुल रहेगा, राइट? लेट अस डिफाइन intransitive verb. Okay? Yes? Coming. Attention. Okay. A babe. आज 12 तारीख हो गया ना? That is to say,
कम कैसे लिखाते हैं फिर तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, स्टेटमेंट्स नहीं बताएंगे फिर उसको, थोड़ा नरेट नहीं करेंगे, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, फिर समझ में कैसे आएगा। मैंने लिखाया क्या, कोई ज़्यादा तो नहीं लिखाया है ना। इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट्स आर जस्ट द ऑपोजिट ऑफ द ट्रांसिटिव वर्ब, दैट इज टू से that they do not require an object to be meaningful. Now, I suppose, write an example. Rita sang. Okay? यहाँ पे इसको क्या नहीं चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, क्या गाई, क्यों गाई है ना, वी डू नॉट वॉन्ट दैट। रीता सांग इज मेकिंग इनफ सेंस ऑन इट्सेल्फ है ना, इजंट इट, इट इज राइट। He loved, ठीक है, क्या ये complete sense बना रहा है ना, it doesn't require any object, कोई object इसको नहीं चाहिए, ये नहीं he laughed at somebody है ना, ये लिखने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं होती है, ये लिखने की यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, ठीक है ना, ओए ठीक है। चलो अभी हम थोड़ा मूव करते हैं, अब इसी में एक और टाइप आता है, दैट इज योर द वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। दिस वी हैव सीन, we have a third type in the main verb side, which is which was the finite verb mein humne transitive dekh liya, intransitive dekh liya, and the third one is your verb of incomplete predication। ये जरा प्रेडिकेशन क्या होता है, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन क्या होते हैं, ये थोड़े ट्रांजिटिव वर्ब की तरह, इनको ऑब्जेक्ट तो नहीं चाहिए होता है, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब की तरह इनको ऑब्जेक्ट तो नहीं चाहिए होता है, बट इनको कुछ और चाहिए होता है। अभी कुछ और क्या चाहिए होता है, तो दैट वी वुड से कि इनको कोई और वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स चाहिए होते हैं टू कम्प्लीट इट्स मीनिंग, ओके, यानी कि वो उन वर्ड्स के बिना ये क्या रहेंगे, अधूरे है ना। सो ये सेंटेंसेस बनाएंगे हम, जब भी लिखेंगे इनके साथ हमें क्या चाहिए होगा, कुछ और वर्ड्स चाहिए होंगे, ठीक है। सपोज द सेंटेंस गोज लाइक दिस,
was is the verb here? Right. Hello? And how was the day? Windy. है ना. अभी इस सेंटेंस में वर्ब है क्या कोई? वॉज. बट ये क्या है? मेन वर्ब है, है ना. एंड द डे वॉज हाउ? इट वॉज विंडी. तो विंडी इज टेलिंग अबाउट द टाइप ऑफ द डे इट वॉज. जैसे बोलते ब्यूटिफुल डे, तो सो इट इज विंडी डे. तो विंडी डे तो एक एडजेक्टिव हुआ ना, राइट. So here, so let us define the verb of incomplete predication. So you would write over here, unlike the transitive verb, they do not require a direct or indirect object but needs a word or a group of words to complete its meaning, है ना. इनको इनको ट्रांजिटिव वर्ब की तरह ऐसा नहीं है कि इनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, नहीं चाहिए. बट इनको क्या चाहिए? कुछ और चलेगा इनको, ठीक है. दे वुड वॉन्ट टू हैव सम अदर वर्ड्स और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच वुड कम्प्लीट देयर सेंस. ओके, ठीक है. कोई एक एग्जाम्पल दो मुझे, कोई भी ऐसा. जैसे मैंने लिखा है ना, द डे वॉज विंडी, है ना, वैसे ही कुछ भी. द चॉकलेट इज टेस्टी, है ना. तो यहाँ पे क्या है सेंटेंस में? द बिरयानी टेस्टेड डिलिशियस, है ना. इसको कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, डिलिशियस ऑब्जेक्ट नहीं है, है ना. बट डिलिशियस क्या? द चिकन लेग पीस इज सो स्मॉल, यस, है ना. सो सो स्मॉल इज नॉट एन ऑब्जेक्ट बट इट्स सम अदर वर्ड. इट इज, है ना, जिसको कि हम यूज कर रहे हैं राइट आफ्टर द, राइट आफ्टर वॉट? वर्ब, है ना, टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, राइट. सो शैल आई रेज दिस? Biryani was super delicious. Okay. He jumped for a while. यहाँ पे for a while जो है ये कोई हमारा object नहीं है, राइट. बट ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विच इज कंप्लीटिंग द सेंस, राइट. सो दिस बिकम्स द वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. ओके, इज इट क्लियर? ओके,
ओके So we have dealt with the principal verb, that is your main verb, right? And we have done the auxiliaries, the modals, we have discussed transitive, intransitive verb, and we have discussed the verb of incomplete predication with examples. So we have touched this topic completely, okay? And the other part is your non-finite verb, which is infinitive, gerund and participle. Just in short, you just write that the infinitives are the just the opposite of finite, hai na? Infinite means kya hota hai? Endless, right? And infinitive verb are the verbs where we place two right before the verb. How would we be making a infinitive? Kya karenge? Bas ek main verb lenge, aage mein kya jodenge? To play, to eat, to sleep, to work, hai na? To dance, to sing, hai na? To listen, all of these, hai na? Ye sare kya hai hamare? Infinitives hain, okay? Gerund, sare ing, okay? So now we would be moving to let us see few of the verb in the V1 form, V2 form and the V3 form. Draw the column. This is past, okay? And this is your past participle. Participles हम पढ़ रहे होते हैं ना? Participle को क्या पढ़ रहे होते हैं हम लोग? Adjectives पढ़ रहे होते हैं ना? And इनको ही हम मेन वर्ब भी मेन वर्ब तो एक्चुअली सारी ही हैं पास्ट में हो या पास्ट पार्टिसिपल में हो या फिर वो किसी भी फॉर्म में चले जाए दे वुड रिमेन एज अ मेन वर्ब दैट वोंट चेंज ओके नाउ लेट अस सी क्लाइंब व्हाट वी वुड बी राइटिंग क्लाइंब क्लाइंब है ना ईट एट एट राइट है ना स्लीप क्या लिखेंगे स्लेप्ट स्लेप्ट राइट स्टैंड स्टूड Stood, right? Teach. क्या होगा पलक Teach का क्या होगा Past participle. Teach, taught, है ना Bring, brought, right? Sing क्या होगा sang क्या होगा sung है ना ring
रंग रंग राइट द लिस्ट गोज ऑन द लिस्ट इज एंडलेस राइट नाउ लुक एट दिस जिस भी वर्ब के एंड में हम ईडी लगाते हैं या डी लगाते हैं ठीक है ना हाँ वो सारे के सारे वर्ब कैसे वर्ब होते हैं हमारे वीक क्या होते हैं वीक होते हैं कमज़ोर होते हैं ठीक है कैसे पहचान में आएंगे अंत में हम क्या लगाएंगे ईडी या डी है ना वैसे सारे वर्ब हमारे क्या हो जाते हैं वीक सो मेजरली जो क्वालिटी होती है वर्ब की मेन वर्ब की या तो वीक होती है या तो स्ट्रॉन्ग होती है दो क्वालिटी होती है ठीक है दो क्वालिटी होती है एक क्या होती है वीक होती है दूसरी क्या होती है स्ट्रॉन्ग होती है वीक वाले जो वर्ब होते हैं ना उनमें उनके फॉर्मेट में कोई भी चेंजेस नहीं होता वो जैसे हैं वो वैसे ही लिखे जाएंगे उनके एंड में हम ईडी या डी लगा देंगे ठीक है उनके एंड में हम ईडी या डी लगा देंगे एंड इट वुड बिकम अ इट वुड चेंज इट्स फॉर्म राइट फ्रॉम वी वन टू वी टू वी टू टू वी थ्री है ना बट द स्ट्रॉन्ग वर्ड्स जो होते हैं ना वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि उनके एंड में हम कुछ नहीं लगा सकते ठीक है उनको हमको तोड़ना पड़ता है यानी कि उनके जो विदीन जो वॉवल्स हैं ना उनकी जगह पे हम कुछ और प्लेस करते ठीक है टू चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन टू दी अदर सपोज लुक इट दिस स्टैंड है ना स्टैंड डी के बाद स्टैंडर्ड तो नहीं हुआ ये है ना स्टैंड बिकेम स्टूड ओके हियर ए गॉट रिप्लेस्ड विथ डबल ओ ओके सो दिस सजेस्ट दैट दिस वर्ड में क्या हुआ ये ब्रेकेज हुआ राइट एंड दी फॉर चेंज्ड ओके बस यहाँ पे थोड़ा सा छोटे से मैं डिफाइन कर लूँ तुम खुद की है ना वर्ड्स लाइक ईडी डी टी दीज आर एडेड टू देम ओके एंड द वर्ड्स वेयर वी सॉर्ट ऑफ एड जस्ट वी चेंज द इनिशियल्स लाइक इन नो अल्फाबेट्स है ना चेंज इन दी वॉवल्स जस्ट लुक एट दिस ई ए था है ना बदल के ए यू हो गया है ना एंड दिस बिकेम टॉट टॉट है ना सिंग था बदल के सांग हो गया थर्ड फॉर्म में भी बदल के संग हो गया है ना दिस मीन्स दैट दिस इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ब दिस शोज दैट इट इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ब ओके नाउ एक तो वर्ब होते हैं जो कि तीनों में बदल जा रहे होते हैं जैसे कि सिंग सांग संग तीनों में बदल गए कुछ वर्ब हैं जो कि एक में ऐसे हैं दो में एक जैसे हैं है ना एट एट क्लाइंब 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 स्लिप स्लेप्ट स्लेप्ट स्टूड स्टूड राइट कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो तीनों में क्या होते हैं सेम रहते हैं तीनों में सेम ठीक है तो तीनों में सेम वाले वर्ब कौन कौन से होते हैं रीड रीड रेड हम पढ़ते इसको रेड है लिखते तो रीड ही है ना रीड रेड रेड राइट ठीक है अभी क्लास क्योंकि एंड हो गया है सो योर होमवर्क इज टू कंप्लीटली सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ वर्ब And you have
you have submitted, right? In the chat section, the PDF is there. And of the sentences. सेंटेंसेस का सॉल्व किया ना, क्योंकि कल तो तुम आए नहीं थे, कल तो तुमने वर्ब का कोई क्लास नहीं किया, जो पेंडिंग है सेंटेंसेस का दिया। टेंसेस, टेंसेस मैंने कब पढ़ाया तुम लोग को यार? व्हेन डिड आई टीच टेंस टू यू? आई टॉट सेंटेंसेस नॉट टेंसेस। यस, शो मी योर वर्क। Pause the video.